नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइव सिस्टम के बारे में। दोस्तों मुख्य रूप से ना तीन तरह के ड्राइव सिस्टम पाए जाते हैं, चेन ड्राइव, बेल ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव। लेकिन आज हम सिर्फ चेन ड्राइव और बेल ड्राइव के ही बारे में बात करेंगे। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो चेन ड्राइव का सिस्टम है, अभी जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से बताता हूं। जो अभी करंट का सिनेरियो के हिसाब से जो चेन ड्राइव सिस्टम है वो सिंपल एनर्जी के सिंपल वन स्कूटर में दिया गया है, और जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वो सिस्टम दिया गया है ओला के S1 और S1 प्रो के मॉडल्स में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने या तो सिंपल एनर्जी लेने की सोच रहे हैं या फिर ओला के स्कूटर्स को ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो चेन ड्राइव है या शाफ्ट ड्राइव है और उनके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चेन ड्राइव और शाफ्ट ड्राइव होता क्या है। दोस्तों अक्सर क्या है, जो मोटर होती है और पेट्रोल बाइकों में जो इंजन होता है वो अक्सर बीचों बीच मिलता है, गाड़ी के या बाइक के बीच में होता है, और वहाँ से पावर को पिछले टायर तक पहुँचाने के लिए ये ड्राइव सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, या तो चेन ड्राइव का या बेल ड्राइव का। चेन ड्राइव में क्या होता है, एक चेन को डायरेक्ट एक पुली आगे लगी होती है मोटर पे और एक पिछले टायर में पुली लगी होती है, जिससे कि वो चेन ड्राइव के थ्रू काम करता है। हाँ, अगर इस एक कंडीशन होती है, अगर आपके स्कूटर में हब मोटर है तो हब मोटर में किसी भी ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो व्हील के अंदर ही मोटर फिट होती है, तो उस कंडीशन में ये सी मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर आपके एक स्कूटर में चेन ड्राइव या बेल ड्राइव है तो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम चेन ड्राइव के साथ। देखिए इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चेन ड्राइव सिस्टम जो है वो सिंपल एनर्जी के सिंपल वन स्कूटर में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे देखते हैं, फिर उसके नुकसान देखते हैं क्या है। दोस्तों फायदे में जो सबसे पहला फ़ायदा है, चेन ड्राइव सिस्टम जो है वो थोड़ा सस्ता होता है, जो चेन होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, तो जो टोटल ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम रहता है। फिर उसके बाद इजी टू रिपेयर है, तो उसमें क्या है, वो बात आ गई कस्टमर्स के लिए। अगर कस्टमर लोग इसको ख़रीद लिया है तो उसके बाद उसका रिपेयर कॉस्ट जो है काफ़ी सस्ता होगा। अगर वो टूट फूट भी हो गया कहीं तो उसमें काफ़ी कम पैसों में ही उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। जब आगे जो इंजन या फिर जो मोटर लगी होती है वहाँ से जितनी पावर निकली और कितनी पावर पिछले टायर में गई, तो उसमें दोस्तों कुछ लॉस होता है पावर का। तो चेन ड्राइव सिस्टम में सिर्फ 1-4% का ही पावर लॉस होता है, जो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके नुकसान देखते हैं दोस्तों। नुकसान में अगर देखा जाए तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो इसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, ग्रीसिंग करनी पड़ती है वक्त वक्त पे, और इसके थोड़े नॉइस ज़्यादा पैदा करती है, ये इसमें नॉइस थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसको जो अगर ये ढीली हो जाए तो इसको वक्त वक्त पे टाइट भी करना पड़ता है। इसकी लाइफ भी दोस्तों कम होती है, इसकी लाइफ आपको लगभग 25,000 से 30,000 किलोमीटर के आसपास मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं बेल ड्राइव के, जो कि हमारे ओला S1 और S1 प्रो में दी गई है। तो बेल ड्राइव की अगर हम अच्छी बातें देखें या फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि इसकी हाई लाइफ होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने ओला S1 या S1 प्रो ले लिया तो मेरे हिसाब से आपको उसकी कभी भी उसकी बेल्ट चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो टूटी ना हो तो। अगर आप उसकी किसी तरीके से फिजिकल डैमेज ना हो तो आपको उसको कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वो एक सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है, दिखने में वो रबर जैसी लगती है लेकिन वो दोस्तों रबर नहीं होती है, वो बहुत मजबूत सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। जो दूसरी इसकी बड़ी अच्छी बात है, इसमें बहुत कम नॉइस होती है और ये काफ़ी स्मूथ होती है। काफ़ी स्मूथ होने की वजह से एकदम बेस्ट आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। अब जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से दोस्तों, एक तो ये बेल ड्राइव सिस्टम है थोड़ा महंगा है, सबसे महंगी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी महंगा है, उसमें पावर लॉस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों जो चेन ड्राइव होता है वो डायरेक्ट अगली पुली से पिछले टायर तक पहुंचा देता है पावर को, जबकि जो ये बेल ड्राइव सिस्टम होता है ये डायरेक्ट ना जुड़ा होकर रास्ते में एक दो पुली और एक्स्ट्रा लगी होती है, जिसमें कि पावर का लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि 9 से लगभग 15% तक हो जाता है। और अगर इसके एक कंडीशन ये, अगर ये टूट गई बाई चांस किसी एक्सीडेंट के दौरान या कुछ भी किसी ने टूट गई
तो इसकी जो मेंटेनेंस है मतलब यानी कि चेंज कराने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों अगर मैं आपको मोटी मोटी एक समरी बताना चाहूँ तो चेन ड्राइव सिस्टम उन मोटरसाइकिल में या उन स्कूटर में लगाया जाता है जो कि थोड़े पैसे बचाने के पर्पज़ से बनाया गया है, जिसमें किसी की थोड़ा बहुत अगर नॉइस या इस तरह का इशू आ जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करी गई है, जिन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया है, मतलब इसकी माइलेज या फिर रेंज वो थोड़ा सा ज़्यादा निकालने की कोशिश करी गई है, तो पावर लॉस कम होने की वजह से इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। अब ये दूसरा जो जो बेल्ट ड्राइव है, वो ये जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है ज़्यादातर आपको प्रीमियम जो स्कूटर या बाइक है ज़्यादातर उन्हीं में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और नॉइस भी कम करता है, तो जो थोड़ी सी जो प्रीमियम क्वालिटी की जो बाइक या स्कूटर होती है ये आपको उनमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको ये फैसला लेने में थोड़ी सुविधा होगी इस चीज़ों से कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से ही उन चीज़ों को आप देख सकते हो कि आपको कौन सा स्कूटर लेना सही रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।